नमस्कार, मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज इस वीडियो में हम कोलिनसोनिया कैनेडेंसिस होम्योपैथिक दवा के फायदे और उपयोग के बारे में जानेंगे। वीडियो को पूरा अवश्य देखें ताकि आप पूरी तरह से समझ पाए। तो आइए समझते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे अनुरोध है कि अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और बेल बटन को जरूर दबा दें ताकि मेरा हर वीडियो आप तक पहुँच सके। सबसे पहला लक्षण, बवासीर में मल द्वार में तिनके ठूसे हुआ सा अनुभव करना। कोलिनसोनिया औषधि मुख्य तौर पर बवासीर के लिए प्रयुक्त होती है। रोगी को ऐसा अनुभव होता है जैसे गुदा प्रदेश में छोटे छोटे तिनके या लकड़ियां ठूसी हुई हैं। एस्क्यूलस में भी बवासीर का यह लक्षण है, परंतु एस्क्यूलस और कोलिनसोनिया में भेद भी है जिसे समझना जरूरी है, तो एक बार समझा देता हूँ। एस्क्यूलस का जो बवासीर है उसमें ऐसा लगता है जैसे गुदा प्रदेश में तिनके ठूसे हुए हैं। कोलिनसोनिया के बवासीर में भी ऐसा लगता है जैसे गुदा प्रदेश में तिनके ठूसे हुए हैं, तो यह लक्षण दोनों में समान है। एस्क्यूलस के बवासीर में गुदा प्रदेश में भारीपन रहता है, कोलिनसोनिया के बवासीर में गुदा प्रदेश में भारीपन नहीं रहता। एस्क्यूलस के बवासीर में रुधिर नहीं बहता यद्यपि भारीपन रहता है, अर्थात यह बादी बवासीर में बहुत लाभदायक है। कोलिनसोनिया के बवासीर में रुधिर बहता है, अर्थात यह खूनी बवासीर में लाभदायक है। एस्क्यूलस के बवासीर में मसों में दर्द, स्पर्शा सहिष्णुता और पीठ में दर्द होता है, जबकि कोलिनसोनिया के बवासीर में एस्क्यूलस के मस्से तथा पीठ के लक्षण नहीं होते। एस्क्यूलस के बवासीर में शायद ही कभी कब्ज होती हो, जबकि कोलिनसोनिया के बवासीर में सख्त कब्ज होती है। तो आशा है आप एस्क्यूलस के बवासीर और कोलिनसोनिया के बवासीर में अंतर समझ गए होंगे। अब मैं कोलिनसोनिया के अगले लक्षण की तरफ बढ़ता हूँ। सप्ताह दो सप्ताह में एक बार पखाना, अर्थात बहुत तेज कब्ज। कोलिनसोनिया में सख्त कब्ज होती है। डॉक्टर नैस ने एक रोगी का उल्लेख किया है जिसे एलोपैथिक दस्तावर दवाइयों से भी दो सप्ताह में एक बार दस्त आता था। कोलिनसोनिया से एक महीने में वह बिल्कुल ठीक हो गया। शायद इस कब्ज के कारण ही रोगी को खूनी बवासीर की शिकायत हो जाती है, खुश्क मल से मस्से छिल जाते हैं और खून बहने लगता है। कोलिनसोनिया के बाद बवासीर का जो रोग शेष रहे उसे एस्क्यूलस पूरी तरह से ठीक कर देता है। तो अगर बहुत तेज कब्ज रहे, साथ में बवासीर रहे, खुश्क मल से मस्से छिल जाया करें, खून आया करें, तो ऐसे में कोलिनसोनिया होम्योपैथिक दवा का सेवन करिएगा। उसके बाद जब बहुत राहत मिल जाए और बवासीर का कुछ अंश शेष रह जाए तब एस्क्यूलस दवा का सेवन कराइएगा, उससे बवासीर जड़ से ठीक हो जाएगा। आगे का लक्षण, बवासीर और कब्ज के कारण पेट में दर्द। डॉक्टर नैस ने लिखा है कि एक रोगी जिसे बवासीर था और सख्त कब्ज था, उसके पेट में कठिन दर्द को कोलिनसोनिया ने पूरी तरह से ठीक कर दिया था। तो जब बवासीर और कब्ज के कारण पेट में दर्द हो तो कोलिनसोनिया होम्योपैथिक दवा से बहुत लाभ मिलता है। आगे का लक्षण, बवासीर और कब्ज में जरायु का बाहर निकल पड़ना। जिन स्त्रियों का जरायु बिल्कुल बाहर निकल पड़ता है, अगर उन्हें बवासीर और कब्ज भी हो तो उनके रोगों को कोलिनसोनिया पूरी तरह से ठीक कर देता है। वैसे रोगी की बवासीर, कब्ज और जरायु को बाहर निकल पड़ना, कोलिनसोनिया से सब पूरी तरह से ठीक हो जाते हैं। आगे का लक्षण, गर्भाशय और गुदा प्रदेश का बाहर निकल पड़ना। जिन स्त्रियों का गर्भाशय और गुदा प्रदेश दोनों बाहर निकल पड़ते हैं, उनके लिए तो यह अत्यंत उपयोगी है। यह सब कुछ प्रायः कब्ज के पखाने के लिए जोर लगाने के कारण हुआ करता है, और ऐसे लक्षण में गर्भाशय और गुदा प्रदेश का बाहर निकल जाने के लक्षणों में आपको कोलिनसोनिया होम्योपैथिक दवा से बहुत ज़्यादा लाभ मिल जाता है। आगे का लक्षण कि बवासीर के रुधिर के बंद हो जाने पर हृदय में कठिन पीड़ा। इसका एक अद्भुत लक्षण यह है कि अगर उस व्यक्ति का जिसका बवासीर या अन्य किसी स्थान का रुधिर नियमित रूप से निकला करता है और जब वह बंद हो जाए तो उसे हृदय में पीड़ा होनी शुरू हो जाती है। अगर रुधिर जारी हो जाए तो हृदय की पीड़ा बंद हो जाती है। ऐसी हालत में भी कोलिनसोनिया औषधि लाभ करती है। ध्यान दीजिएगा, बवासीर से रुधिर अगर बंद हो जाए तो हृदय में कठिन दर्द होने लगता है, और फिर जब रुधिर चालू हो जाए तो दर्द बंद हो जाता है। शक्ति की बात करें तो 3, 6, 30, 200 पोटेंसी में बिल्कुल इस्तेमाल कर सकते हैं। एक्यूट केस में 30 पोटेंसी का इस्तेमाल करें, 2 बूंद दिन में 3 बार। अगर क्रॉनिक केस है तो हफ्ते में आप 1 बार 200 पोटेंसी का 2 बूंद जीप पे टपकाए करें, और 1 महीने तक आप
यानी कि 4 डोज हो जाएगा 200 पोटेंसी का। उसके बाद आप 30 पोटेंसी का भी इस्तेमाल लगातार कर सकते हैं ताकि रोग जड़ मूल से समाप्त हो जाए। तो शुरू में अगर क्रॉनिक केस है तो 200 पोटेंसी का इस्तेमाल करें, बाद में 30 पोटेंसी का इस्तेमाल करें। अगर एक्यूट है तो शुरू में ही आप 30 पोटेंसी का इस्तेमाल कर सकते हैं। जो जो लक्षण मैंने बताया है उसमें कोलोसोनिया बहुत ज़्यादा लाभदायक है और मैंने एस्कुलस और कोलोसोनिया के बारे में अंतर भी बताया है। तो ध्यान से किसमें एस्कुलस का होम्योपैथिक दवा देना है और किसमें कोलोसोनिया, यह आपको समझ में आ गया होगा। आशा है आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर समझने में परेशानी आ रही हो या आप ट्रीटमेंट करवाना चाहते हैं या आप अपने एड्रेस पे दवा मंगवाना चाहते हैं तो मेरे व्हाट्सएप नंबर 9006242658 पर भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। दवा आपको किसी भी होम्योपैथिक शॉप पर मिल जाएगा। 2 दवा लेने के बीच हमेशा 15 मिनट का गैप दें। खाना खाने के आधे घंटे पहले या आधे घंटे बाद ही दवा लें। कच्चा प्याज और खट्टी चीज़ों का सेवन ना करें। WSI, रेक्वेग, SBL, एडिल किसी भी कंपनी की दवा आप ले सकते हैं, सभी अच्छी है। धन्यवाद।